हेलो स्टूडेंट्स, आई एम जितेंद्र सिंह। वेलकम टू आनंद इंस्टीट्यूट यूट्यूब चैनल्स। आज हम अपना जो है पार्ट ऑफ स्पीच वाला जो है टॉपिक स्टार्ट करेंगे, जो आपका बेसिक है ग्रामर का, जो आपके लिए बहुत ही यूजफुल है, तो उसकी शुरुआत करेंगे। उससे पहले टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ कि आप जो आज हम जो भी टॉपिक पढ़ेंगे उसका जो होमवर्क है, उसकी सारी जो जानकारी है आपको अपने आनंद जो इंस्टीट्यूट है अपना, उसका व्हाट्सअप ग्रुप जो बना हुआ है, उस ग्रुप के माध्यम से जो है आपको सारी जानकारी होमवर्क की भेज दी जाएगी विथ पेज नंबर। तो आपको वो सारा होमवर्क जो है अपनी कॉपी के अंदर करना है। चलिए तो फिर आज स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक पार्ट ऑफ स्पीच। आज हम जो है आपके इंग्लिश के अंदर ग्रामर का सेक्शन शुरू करेंगे, क्योंकि आपकी जो बुक्स हैं वो सब अलग अलग हैं। इस बार NCERT का कोर्स जो है वो लागू हुआ है, तो बुक्स हम बाद में स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले जो बेसिक है ग्रामर का वो हम शुरू करेंगे। तो जो ग्रामर का सेक्शन है वो आज हम स्टार्ट करते हैं। तो ग्रामर के अंदर हम सबसे पहले जो अपना टॉपिक लेंगे वो है पार्ट ऑफ स्पीच वाला। अब पार्ट ऑफ स्पीच क्या होता है उसको हम देख लेते हैं। तो इसका मैंने हिंदी में और इंग्लिश दोनों के लैंग्वेज के अंदर लिखा हुआ है ताकि आप इसको अच्छे तरीके से समझ पाएंगे। तो पार्ट ऑफ स्पीच, इसका सामान्य अर्थ शब्द भेद अथवा भाषा के अंग हैं। यानी कि एक जो लैंग्वेज होती है, कोई भी लैंग्वेज हो, चाहे हिंदी हो, इंग्लिश हो, या जितने भी कोई भी लैंग्वेज है, तो हर लैंग्वेज के अंदर कुछ शब्दों के भेद होते हैं, भाषा के जो है अंग होते हैं। उनको समझे बिना, उनको जाने बिना जो है हम उस लैंग्वेज को अच्छे तरीके से नहीं समझ सकते। तो इसलिए अंग्रेजी को, इंग्लिश को समझने के लिए हमें पहले, सबसे पहले पार्ट ऑफ स्पीच को जो है अच्छे तरीके से समझना होगा। लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहले जो पार्ट ऑफ स्पीच है वो टोटली 8 प्रकार के हैं। अब इसके अंदर ये सारे मैंने लिखे हुए हैं यहाँ पे। तो सबसे पहले आपके आ जाएगा, नंबर 1 इज नाउन, जिसको हम हिंदी में कहते हैं संज्ञा। आपने अच्छे तरीके से पढ़ा होगा या सुना होगा भी, संज्ञा किसे कहते हैं, किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान के नाम को हम संज्ञा कहते हैं। तो वही चीज़ यहाँ इंग्लिश के अंदर है और कुछ नहीं है। दूसरा है प्रोनाउन, यानी कि सर्वनाम। अब सर्वनाम किसे कहते हैं, जो संज्ञा के स्थान पर जिन शब्दों का प्रयुक्त करते हैं उनको सर्वनाम कहेंगे। इन सब के बारे में हम डिटेल के अंदर पढ़ेंगे, अभी थोड़ा मैं बेसिक आपको ऐसे ही बता रहा हूँ। फिर थर्ड है एडजेक्टिव, जिसको हम विशेषण कहते हैं, यानी कि जो संज्ञा या सर्वनाम इनकी जो विशेषता बताते हैं उनको हम कहते हैं एडजेक्टिव, जिसको हिंदी में हम कहते हैं विशेषण। फिर अपना फोर्थ आता है वर्ब, यानी कि क्रिया। कोई भी नाउन है या कोई भी है या जो शब्द है वो क्रिया क्या कर रहे हैं, उनमें कार्य क्या हो रहा है, तो उसको दर्शाने के लिए हम वर्ब का प्रयोग करते हैं, क्रिया का प्रयोग करते हैं। तो क्रिया के भी अलग अलग प्रकार होते हैं, जब हम इसको पढ़ेंगे तब देखेंगे इसको अच्छे तरीके से। फिर अपना नेक्स्ट आता है फिफ्थ एडवर्ब, जिसको हम कहते हैं क्रिया विशेषण, यानी कि इस क्रिया की विशेषता जो बताते हैं उसको हम कहेंगे क्रिया विशेषण। फिर आता है अपना सिक्स पॉइंट प्रीपोजिशन, जिसको हिंदी में कहते हैं संबंध सूचक अवयव। अब इसमें संबंध सूचक, यानी कि ये जो संज्ञा सर्वनाम जो होते हैं इनका अन्य के साथ में जुड़कर जो है वो संबंध स्थापित करते हैं, उनको हम कहते हैं प्रीपोजिशन। फिर अपना सेवंथ आता है कंजक्शंस, समुच्चय बोधक अवयव। तो ये भी किसी दो सेंटेंस को जोड़ने के काम में जो है उनका प्रयोग जो है वो किया जाता है, कंजक्शंस का प्रयोग। फिर आता है इंटरजेक्शंस, आठवां जो अपना पार्ट ऑफ स्पीच है, इसको हम कहते हैं विस्मयादि बोधक अवयव। विस्मयादि बोधक, जिसमें किसी भी प्रकार का विस्मय यानी कि आश्चर्य होता है, खुशी होती है, मतलब मन के भावों को हम प्रकट करते हैं, तो वो आते हैं सारे आपके इंटरजेक्शन के अंदर। अब इनको स्टार्ट करने से पहले, अब सबसे पहले हम अपना टॉपिक जो है वो नाउन शुरू करेंगे, लेकिन इसको स्टार्ट करने से पहले हम सबसे पहले कुछ बेसिक बातें और देख लेते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं काइंड्स ऑफ लेटर्स, यानी कि वर्ण के प्रकार क्या होते हैं। हर भाषा के अपने एक वर्ण होते हैं, जैसे कि हिंदी के अपने वर्ण हैं, वर्णमाला होती है पूरी, क्योंकि उसको समझे बिना जो है आप उसको नहीं पढ़ सकते। उसी तरह से इंग्लिश के अंदर भी लेटर्स हैं, वर्ण हैं, तो इनको हमें अच्छे तरीके से ध्यान, हालांकि आप अच्छे तरीके से जानते होंगे लेकिन मैं एक बार वापस रिपीट करवा देता हूँ। द इंग्लिश अल्फाबेट हैज़ 26 लेटर्स, यानी कि इंग्लिश के अंदर जो है टोटल 26 लेटर्स होते हैं। अब इनको दो भागों में डिवाइड किया गया है, सबसे पहले हो जाएगा वोवेल्स, यानी कि जिसको हम स्वर कहेंगे, और दूसरे होंगे हो जाएंगे अपने कॉन्सोनेंट, जिनको हम व्यंजन कहते हैं। तो इन चीज़ों को आपको ध्यान में रखना है कि इंग्लिश के अंदर वोवेल्स कौन से होते हैं, क्योंकि जब हम आगे पढ़ेंगे तो इनकी आपको जानकारी होनी चाहिए। तो वोवेल्स के अंदर 5 वोवेल्स होते हैं टोटल इंग्लिश के अंदर, तो ये अच्छे तरीके से याद रखना, ए, ई, आई, ओ और यू, ये 5 जो हैं इंग्लिश के अंदर वोवेल्स हैं, और बाकी इन सब के अलावा जो बचे हुए सारे के सारे जो है वो हो जाएंगे कॉन्सोनेंट, यानी कि व्यंजन, जिसको हम हिंदी में कहते हैं। लिखा हुआ भी है रिमेनिंग ऑल, जो 21 वर्ड्स हैं, सॉरी अल्फाबेट्स हैं, वो सारे के सारे जो हैं आपके कॉन्सोनेंट्स हो जाएंगे। तो ये चीज़ें आपको इसके अंदर ध्यान रखनी है। अब सबसे पहले हम फिर लेते हैं अपना वर्ड, शब्द क्या होता है, वर्ड क्या होता है वो देखिए। तो वर्ड इज ए ग्रुप ऑफ लेटर्स,
ये जो लेटर्स है इनका एक समूह है, वही है वर्ड। विच हैज मीनिंग, जिसका कोई एक अर्थ निकलता हो तो वो वर्ड कहलाएगा। अब जैसे कि हिंदी के अंदर सार्थक वर्ण समूह को शब्द कहते हैं, सार्थक वर्ण समूह का मतलब वही कि जो शब्दों का जो समूह है जिसका कोई अर्थ निकल रहा है तो उसको हम वर्ड कहेंगे। अब एग्जांपल मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ, अगर फॉर एग्जांपल के लिए देखो, मैं यहाँ पे हम सब जानते हैं कि 26 लेटर्स होते हैं, मैं कोई भी एक लेटर लिख लूँ, अगर मैं यहाँ पे केवल आपके इसी लिख लूँ तो इसका कोई अर्थ नहीं निकलेगा, तो इसको हम जो है वर्ड नहीं कह सकते, है ना। फिर कुछ भी इसके अलावा और कोई लिख दूँ तो उससे नहीं बनेगा। लेकिन जैसे कि सी के साथ में मैं ओ लगा दूँ, फिर इसके साथ में मैं डब्ल्यू जोड़ दूँ, तो इन तीनों को मिलके सी ओ डब्ल्यू काउ, यानी कि यह क्या हो जाएगा, गाय। तो अब इनको मिलकर ये जो शब्द बना है तो इनका एक सार्थक अर्थ निकल रहा है, एक मीनिंग निकल रही है, यानी कि इनको मिलकर, अगर ये अलग अलग थे तो इनका कोई अर्थ नहीं निकल रहा था, लेकिन जब ये सब मिले और मिलकर भी जो है इनका एक सार्थक अर्थ निकल रहा है, और काउ हो गया, काउ को जिसको हम हिंदी में गाय कहते हैं, तो वो हो जाएगा वर्ड। यानी कि केवल ऐसे उठपटांग सब जोड़ने से भी कुछ नहीं, लेकिन उसका अर्थ भी निकलना जरूरी है। ऐसा नहीं कि 26 लेटर में से कुछ भी आप लेके यहाँ पे ए लिख दो, एल लिख दो, बी लिख दो, ऐसे कुछ भी लिख दोगे और फिर आप कहोगे सर ये वर्ड हो गया। नो, ये वर्ड नहीं होगा। वर्ड कब होगा, जब उसका एक सार्थक अर्थ भी निकलना चाहिए तो वह वर्ड हो जाएगा। हाँ, अब हम शुरू करेंगे अपना सबसे पहला जो पार्ट ऑफ स्पीच का जो सबसे पहला टॉपिक है, नाउन, संज्ञा के बारे में हम सबसे पहले पढ़ेंगे। अब हम जो है अपना सबसे पहला जो टॉपिक है नाउन, वो शुरू करते हैं। नाउन यानी कि संज्ञा, जिससे आप सभी परिचित होंगे। अब हम ये जो है हिंदी एंड इंग्लिश बोथ मीडियम के लिए है, दोनों के लिए है, तो इसी प्रकार से चलेंगे हम। तो अपने सबसे पहला टॉपिक हो जाएगा नाउन, यानी कि संज्ञा हो जाएगा। सबसे पहले इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं, व्हाट इज नाउन। तो ए नाउन इज ए वर्ड यूज फॉर नेमिंग सम पर्सन, पैलेस और थिंग्स। यानी कि नाउन क्या है, नाउन यानी कि संज्ञा एक वह शब्द होता है जो किसी व्यक्ति के लिए, सम पर्सन या किसी व्यक्ति के लिए, पैलेस या किसी स्थान के लिए, और थिंग्स या किसी वस्तु के लिए उसका प्रयोग किया जाता है। यानी कि संज्ञा क्या है, किसी व्यक्ति वस्तु या स्थान के लिए जिस व्यक्ति का प्रयोग किया जाता है वही संज्ञा है, वही नाउन है। अब इसके टाइप कितने होते हैं, तो देर आर फाइव काइंड्स ऑफ नाउन या फाइव टाइप ऑफ नाउन्स। पांच प्रकार के जो है नाउन होती हैं, संज्ञा होती हैं, उनको स्टेप बाय स्टेप, वन बाय वन जो है हम देखते हैं। तो अपना फर्स्ट जो है वो है प्रॉपर नाउन, जिसको हम हिंदी में कहेंगे व्यक्तिवाचक संज्ञा। सबसे पहले इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। द नेम ऑफ पर्टिकुलर पर्सन और पैलेस और ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड प्रॉपर नाउन। यानी कि किसी व्यक्ति का नाम है, पर्सन है, किसी पैलेस यानी कि स्थान का नाम है, या फिर कोई ऑब्जेक्ट दे रखा है, तो ये सारे के सारे जो हैं आपके प्रॉपर नाउन के अंदर आते हैं। अब इसके अंदर एक चीज़ नोटिस करने वाली जो बात है वो ये है कि प्रॉपर नाउन हमेशा जो है वह कैपिटल लेटर से ही प्रारंभ होते हैं। मैंने बेस के जो अपना बेसिक इससे पहले जो आपको मैंने समझाया है उसके अंदर मैंने पूरा बता दिया था, कैपिटल लेटर्स और वोवल्स कंसोनेंट्स के बारे में पूरा हम डिस्कस कर चुके हैं। तो इसकी एक पहचान है, इसको एक आइडेंटिफाई करने का एक तरीका है कि जो प्रॉपर नाउन है वो हमेशा कैपिटल लेटर से ही जो है वो शुरू होते हैं। अब इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पर लिखा राम, सीता, तो इसके अंदर जो इसका फर्स्ट अक्षर जो है वो पूरा कैपिटल में लिखा हुआ है। यहाँ पे भी जैसे कि मैंने सीता लिखा है तो एस कैपिटल लेटर्स में है, जयपुर, इंडिया, द गंगा, द हिमालयाज एक्सेट्रा। तो इस तरह से ये सब क्या है, अब जैसे कि इनको अगर देखेंगे राम एंड सीता, ये क्या है, ये आपके आ जाएंगे पर्सन, ये पर्सन है, व्यक्ति के नाम है, तो ये हो जाएगी आपके प्रॉपर नाउन। अब जयपुर एंड इंडिया ये जो है वो आ जाएंगे आपके पैलेस, ये पैलेस है, उसी तरह से द गंगा, द हिमालयस, तो ये सारे इस तरह से जो होते हैं वो आपके आ जाएंगे प्रॉपर नाउन व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत। फिर अपना सेकेंड आता है टॉपिक कॉमन नाउन, यानी कि जातिवाचक संज्ञा। अब जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है कॉमन, अब क्या है वो देखते हैं हम। दे डू नॉट मेक सेंस ऑफ एनी वन पर्सन और थिंग्स, रादर दे मेक सेंस ऑफ द सेम टाइप ऑफ ऑब्जेक्ट। इस चीज को ध्यान रखिएगा, सेम टाइप ऑफ ऑब्जेक्ट, क्लास ऑफ पर्सन और पैलेस। यानी कि इसमें क्या होता है कि इसमें दे डू नॉट मेक सेंस ऑफ एनी वन पर्सन और थिंग्स, मतलब इसमें किसी एक वस्तु या स्थान का नाम नहीं होता है, बल्कि ये संपूर्ण उस प्रजाति का या जाति का बोध जो है वो कराते हैं। कैसे, एग्जांपल देखिए, जैसे कि मैन, अब यहाँ पे लिखा हुआ मैंने मैन, बुक, सिटी, बॉय एक्सेट्रा, तो ये सब क्या है, मैन है, पुरुष है, तो ये पूरी पुरुष जाति का बोध करवा रहा है। यहाँ पे बुक है तो इसमें सारी बुक आएगी,
सिटी है, तो सारी तरह के जो सिटी है वो सारा इसके अंदर आ रहा है। बॉय हो जाएगा तो संपूर्ण, जैसे कि लड़के हैं तो वो इस पूरी संपूर्ण जाति का बोध जो है वो करवाते हैं, इसलिए इनको कॉमन नाउन जो है वो कहेंगे। अब इसके अंदर एक नोट रखने वाली बात ये है कि संसार के अंदर, वर्ल्ड के अंदर जितने भी काउंटेबल जो नाउन है अपने गिनने योग्य, काउंटेबल के मतलब जिनको हम काउंट कर सकते हैं, गिन सकते हैं, वो सारे के सारे आपके कॉमन नाउन के अंतर्गत ही आते हैं। जैसे कि अगर बॉय है तो हम इनको काउंट कर सकते हैं, सिटी है तो इनको भी हम काउंट कर सकते हैं कि ऑल ओवर इंडिया के अंदर या अपने राजस्थान के अंदर कितनी सिटीज़ हैं, बुक्स कितनी हैं। जैसे कि आपको पूछा जाएगा अभी आप जो भी क्लास, जिस क्लास में भी पढ़ रहे हो तो आपके कोर्स के अंदर कितनी बुक्स हैं, तो हम उनको काउंट कर सकते हैं, काउंटेबल है ये, तो ये हो जाएगा। मैन है तो उनको हम काउंटेबल कर सकते हैं, जैसे कि अपना सेंसस जो जनगणना होती है उसके अंदर पर 10 ईयर के अंदर अपनी सेंसस जनगणना होती है, तो उसके अंदर हम काउंट करते हैं कि टोटल पॉपुलेशन के अंदर मैन कितने हैं, वुमेन कितने हैं, चाइल्ड कितने हैं, तो वो सब, तो ये सब काउंटेबल है। तो ये सारे के सारे आपके आ जाएंगे कॉमन नाउन के अंदर। फिर अपना थर्ड आता है कलेक्टिव नाउन, जिसको हम कहते हैं समूहवाचक संज्ञा हिंदी के अंदर कहेंगे। तो ए ग्रुप ऑफ सिमिलर पर्सन और थिंग्स, इसमें क्या होता है कि एक ही समान व्यक्ति और वस्तुओं का समूह होता है इसके अंदर, एक ही प्रकार के सब, तो उस समूह को दर्शाने के लिए जिसका प्रयोग किया जाता है वो हो जाएंगे आपके कलेक्टिव नाउन हो जाएंगे। अब एग्जाम्पल देखिए, जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ ए फ्लॉक ऑफ सीप, तो यहाँ पे ये जो शब्द है फ्लॉक, यहाँ पे यानी कि भेड़ों का झुंड जो है, तो वो भेड़ों के झुंड के अंदर, तो सारी भेड़ा आ गई, उस झुंड को ये प्रदर्शित कर रहा है, तो ये हो जाएगा आपके कलेक्टिव नाउन हो जाएगा। फिर दूसरा है ए बंच ऑफ ग्रेप्स, तो यहाँ पे ए बंच अंगूर जो है आपके, अंगूरों का गुच्छा, तो उसमें सारे अंगूर आ गए, तो उस सबको जो है ये इंगित कर रहा है। फिर आ जाएगा ए हर्ड ऑफ कैटल, यानी कि पशुओं का झुंड, तो उसमें सारे पशुओं का जो है ये शब्द जो है ये हर्ड, ये सारा का सारा जो है उन सब सभी पशुओं के झुंड को जो है वो इंगित कर रहा है। हाँ, नेक्स्ट इज फोर्थ पॉइंट मटेरियल नाउन, यानी कि पदार्थवाचक संज्ञा। अब इसमें क्या है वो देखिए, किसी पदार्थ या तत्व को ये इंगित करता है जिससे कि हम कोई वस्तु बना सकते हैं, किसी भी प्रकार की कोई चीज़ का निर्माण कर सकते हैं। तो ये ध्यान रखना, मटेरियल जैसे कि नाम से पता चल रहा है, मटेरियल पदार्थ के बारे में ये इंगित करता है। फॉर एग्जाम्पल के ये गोल्ड सिल्वर है, वाटर है, आयरन है, एक्सेट्रा, तो ये सारे क्या है, पदार्थ है, मटेरियल है, जिनसे किसी प्रकार की वस्तु का निर्माण होता है। तो ये हो जाएगा आपके फोर्थ टाइप का नाउन। फिर अपने लास्ट एंड फाइनल जो है एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स, यानी कि भाववाचक संज्ञा। ये क्या है, यह किसी विशेषता, गुण, अवस्था, स्थिति, भाव आदि को इंगित करता है। यानी कि जैसा कि नाम से पता चल रहा है एब्स्ट्रैक्ट, यानी कि भाव, ये भावों को प्रकट करता है। इसकी सबसे बड़ी, इससे पहले जो हमने फोर पढ़े थे, जो अपने चार वाले जो नाउन्स हैं उनके बारे में हम उनको देख सकते हैं, उनको छू सकते हैं, उनको गिन सकते हैं, लेकिन एब्स्ट्रैक्ट नाउन की सबसे बड़ी विशेषता है कि इनको न तो देखा जा सकता है, न छुआ जा सकता है, ना ही इनको काउंट किया जा सकता है। इनको केवल हम फील कर सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, क्योंकि भाव है तो भावों को केवल महसूस किया जा सकता है। फॉर एग्जाम्पल के लिए जैसे कि ऑनेस्टी, यानी कि ईमानदारी, तो ईमानदारी को हम, कोई ईमानदारी का कोई पैमाना नहीं होता, कोई स्केल नहीं होता जिससे कि हम उसको नाप सकते हैं, इसको केवल फील किया जा सकता है। ब्यूटी है तो इसको हम देख सकते हैं, फील कर सकते हैं। ब्रेवरी, बहादुरी है, हाइट है। चाइल्डहुड यानी कि आपका बचपन, हैप्पीनेस, खुशी, लव एक्सेट्रा, तो ये सारी चीज़ें क्या है, ये भावों को इंगित कर रही हैं, इनको हम महसूस कर सकते हैं, इनको गिन नहीं सकते, है ना। तो ये हो जाएगा आपके एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स। थैंक्स फॉर वॉचिंग्स। जय हिंद, वंदे मातरम।